इन्वेस्टर्स के बीच में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पूरे विश्व में फाइनेंशियल सर्विसेज में रिवॉल्यूशनरी चेंज लाने वाला ये फिनटेक होता क्या है, फिनटेक का बिजनेस मॉडल क्या है, इंडिया में कौन कौन से वर्तमान में फिनटेक काम कर रहे हैं और किस प्रकार से ये फिनटेक भविष्य की इकोनॉमी को बदलाव लाने में सहयोग कर रहा है, तो जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है CA रूपक मिगलानी। मेरा नाम है रूपक मिगलानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को अपने मोबाइल से कोई पेमेंट ट्रांसफर किया होगा या रिसीव किया होगा। अगर जवाब है हाँ, तो आप इस बिलियन डॉलर्स फिनटेक इंडस्ट्री के हिस्सेदार हैं। वे कंपनियां जो एंड टू एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का दावा करती है, इन्हें ही फिनटेक कंपनी कहा जाता है और यही ओवरऑल फिनटेक इंडस्ट्री है। ये कंपनियां सर्विस जो प्रोवाइड करती है इंटरनेट और क्लाउड के माध्यम से प्रोवाइड करती है। जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल आता है, ये कंपनियां प्रयोग करती है मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कुछ हद तक ब्लॉकचेन का भी। तो ये फिनटेक सर्विसेज में क्या क्या आता है, इसमें से है डिजिटल पेमेंट, डिजिटल लोन, डिजिटल इंश्योरेंस, क्रिप्टो करेंसी, कुछ कॉमन बैंक संबंधित सर्विसेज, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट अगर आपको खुलवाना है, कोई अकाउंट खाता खुलवाना है तो वो भी इसमें कवर हो सकता है। और कुछ फिनटेक कंपनियां तो ये भी दावा करती है कि आपके पर्सनल फाइनेंसेस संबंधित या और कोई कंप्लायंसेस संबंधित कोई भी सर्विसेज हो तो वो भी फिनटेक कंपनियां प्रोवाइड करती है। वो प्रमुख कारण जिसके वजह से ये फिनटेक प्रसिद्धि हासिल कर रहा है वो है कन्वीनियंस और ट्रांसपेरेंसी जो ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए ये एक बहुत ही बढ़िया फिनटेक इंडस्ट्री बनते जा रही है। फिनटेक कंपनियां अब रोबोट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये कंपनियां अब रोबोटिक एडवाइजर्स भी अपने फिनटेक्स में लॉन्च करने वाले ही है और इसके माध्यम से आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रोबोट्स के माध्यम से भी मिल सकती है। ये काम कैसे करेगा, ये काम एल्गोरिदम के बेसिस पे करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम को ये इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसी के माध्यम से आपको एडवाइजरी मिल सकती है। वो कारण जिसके वजह से फिनटेक इंडस्ट्री में चैलेंजेस आ सकते हैं, उनमें से है एक साइबर अटैक। हाल ही में बढ़ते हुए डेबिट कार्ड फ्रॉड्स इन सब का उदाहरण है और ये साइबर अटैक के माध्यम से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। हाल ही में जो देखा गया था अनअकैडमी के साथ, अनअकैडमी का बहुत ही बड़ा डेटाबेस जहां पे इतने सारे बच्चे एनरोल करते हैं, जहां पे इतने सारे टीचर्स एनरोल करते हैं, वहां पे पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, उन सभी का डेटाबेस लीक हो गया था। तो ये कुछ उदाहरण है जो हमारे सामने हैं और ये एक चैलेंज बन सकता है फिनटेक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि फिनटेक में बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कस्टमर की ली जा सकती है। साथ ही साथ एक सटीक रिजल्ट पाने के लिए, एक सटीक आउटपुट पाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी जो एल्गोरिदम होने चाहिए वो भी सटीक होने चाहिए, तभी रिजल्ट वो आएंगे। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा काम करना बाकी है और इसके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस भी बन सकते हैं। जिस प्रकार एक ट्रेडिशनल बैंक अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके उससे कुछ पैसे कमाता है, उसी प्रकार फिनटेक इंडस्ट्री भी इन सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को डिजिटलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और इसी प्रकार ये फिनटेक इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल होता है। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि किस प्रकार ये फिनटेक इंडस्ट्री ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को और ओवरऑल इकोनॉमी को शेप कर रहा है और इनका भविष्य कैसा बन रहा है, समझते हैं। तो फिनटेक इंडस्ट्री आ जाने से सबसे ज्यादा डर जो जिसे लगा है वो है ट्रेडिशनल बैंक्स, जो अभी तक डिजिटलाइजेशन में नहीं आए हैं या फिर आए भी हैं तो कम स्तर तक आए हैं। और इसी का कारण है कि नियो बैंक्स भी अब इंडिया में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। नियो बैंक क्या होता है इसे मैंने समझाया है अपने दूसरे वीडियो में, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो फिनटेक इंडस्ट्री आ जाने से लोन मार्केट में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसके चलते जो सबसे ज्यादा फायदा मिला है वो SME सेक्टर को मिला है। एक व्यापारी या वो व्यक्ति जिसे एक लोन लेना है उसके लिए क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो लोन अप्रूव होते हैं, तभी जाके वो लोन आगे प्रोसेस होते हैं बैंकिंग सेक्टर में।
लेकिन जहां तक फिनटेक इंडस्ट्री का सवाल है, कुछ फिनटेक इंडस्ट्रियां ऐसी भी है जो कम क्रेडिट रेटिंग पे या नो क्रेडिट रेटिंग पे भी यहां पे लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी है। भले इंडिया में ये चीज़ चलन में ना हो, लेकिन यूएस में ये चीज़ चलन में है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट होने की कम हो जाती है, और यही चीज़ बहुत बड़ा एक बदलाव ला रही है फिनटेक इंडस्ट्री में। भारत सरकार भी फिनटेक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है धीरे धीरे, और इसी के चलते साइबर सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो तो इसके तरफ भी काम और अपने स्टेप्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये भी एक साइबर सिक्योरिटी या डेटा सिक्योरिटी की तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है। फिनटेक इंडस्ट्री तेजी से इन्वेस्टर्स के बीच में प्रमुख होते जा रहा है, और इसी के चलते फिनटेक इंडस्ट्री को बहुत सारी फंडिंग्स भी मिल रही है। वर्तमान में जो फंडिंग मिली है वो काफ़ी सारे इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री को भी बहुत सारी फंडिंग मिलते जा रही है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि फिनटेक इंडस्ट्री बहुत बूम तरीके से ग्रो करने वाला है। कई सारी फिनटेक इंडस्ट्रियां अपने कुछ पर्सनल फाइनेंस ऐप के साथ भी आ रही है, जिससे एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अपने फाइनेंसेस को ट्रैक कर सकता है, अपने एलोकेटेड बजट को ट्रैक कर सकता है, और उसी के माध्यम से अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स और उसी के आधार पर वो अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। कुछ इस प्रकार के पर्सनल फाइनेंस ऐप्स भी फिनटेक इंडस्ट्रियां लॉन्च कर रही है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात किया जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिनटेक सर्विसेज के जो कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं वो पूरे एशिया में बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा साइन बन रहा है हमारे भारत वासियों के लिए भी। अगर बिगेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो यूएस फिनटेक सर्विसेज का बिगेस्ट प्रोड्यूसर बनते जा रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में, और इसी के तरफ भारत ने भी कदम अपने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, ताकि फिनटेक इंडस्ट्री का चाल चलन इंडिया में भी अच्छे से देखा जा सके सिक्योरिटी के साथ। फिनटेक इंडस्ट्री आ जाने से यहाँ पे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ते क्राइम भी यहाँ पे घट जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो फिनटेक इंडस्ट्री का है या गवर्नमेंट का है, सरकार का है, इन इंडस्ट्री को आगे ला के वो ये है कि कैशलेस इकोनॉमी बनाया जाए, और जहाँ कैश नहीं रहेगा वहाँ क्राइम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर फिनटेक इंडस्ट्री में कंपनियों की बात करें तो इसमें कंपनियां हैं कुछ स्टार्टअप्स, और इसी के साथ साथ कुछ वो कंपनियां भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से तकनीकी तौर पर स्टेब्लिश्ड है, टेक्नोलॉजी टेक कंपनियां हैं, वो भी अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी है, तो ये भी ओवरऑल फिनटेक इंडस्ट्री का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे गूगल की बात करें तो गूगल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा टेक जायंट है, और ये अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आगे ला रहा है, और इसी के चलते गूगल पे को मार्केट में लाया गया, तो ये भी फिनटेक इंडस्ट्री का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब इंडिया में तेजी से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले फिनटेक की अगर हम बात करें तो उनमें से है पेटीएम, भारत पे, फोन पे, मोबीक्विक, रेजर पे, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो तेजी से प्रसिद्धि पा रहे हैं फिनटेक इंडस्ट्री में भारत के अंदर। ये सभी फिनटेक कंपनियां अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूएसपी के साथ आती है, और एक यूएसपी के माध्यम से पारदर्शिता भी ये प्रोवाइड करती है।